हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लोकेश दवे आपको अपने फेवरेट होम्योपैथिक चैनल वॉइस ऑफ होम्योपैथी में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डॉक्टर बर्नेट के सेकंड रीज़न फॉर कन्वर्जन फ्रॉम एलोपैथ टू होम्योपैथी के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे एक एलोपैथिक चिकित्सक होम्योपैथी की ओर कन्वर्ट हुए। जो सेकंड रीज़न है उसमें डॉक्टर बर्नेट लिखते हैं कि जब वो जवान थे एंड ही वॉज अ लेड, उन्होंने प्लूरिसी हुई और इसके लिए उन्होंने अपने एक लोकल डॉक्टर को कंसल्ट किया, जिसने उन्हें कुछ मिक्सचर्स और मेडिसिंस दी। उसके वजह से वो लगभग अधमरी हालत में पहुंच गए। ही वॉज अबाउट टू डाई। डॉक्टर बर्नेट लिखते हैं कि यार, मुझे मेरा अंतिम समय नज़र आ रहा था, मगर ईश्वर की कृपा से, फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड, वो बच गए। और मगर उसके बाद एक कांस्टेंट डल पेन उनको लेफ्ट साइड ऑफ प्लूरा में रहा और बहुत सारी लोकल लेवल पे ट्रीटमेंट करने के बाद जब उनको आराम नहीं हुआ तो वो यूरोप के कई एमिनेंट एलोपैथिक फिजिशियंस को दिखाया उन्होंने, जिनके बहुत नाम थे। और चूंकि वो खुद एक MBBS MD थे तो उनका बहुत भरोसा था कि एलोपैथिक चिकित्सक मुझे ठीक कर देंगे। वो कहते हैं कि उनका भरोसा इतना गहरा था कि वो चिकित्सक चाहें तो पहाड़ हिला दें, मगर उनके दर्द का कोई अंत नहीं था। बहुत सारे जितने एमिनेंट एलोपैथ्स थे उस समय यूरोप के, उनको सबको उन्होंने दिखा दिया, मगर उनके दर्द में उन्हें आराम नहीं हुआ। तो फिर जब आदमी को दर्द में आराम नहीं होता है तो वो दूसरे रास्ते ढूंढता है। उन्होंने भी ढूंढा। उस समय हाइड्रोपैथ्स होते थे जो कि हॉट और कोल्ड पैक्स लगाकर लोगों का ट्रीटमेंट करते थे। तो वो उनके पास गए, कई महीनों तक हॉट एंड कोल्ड पैक्स जैसे कि एडवाइस किए थे वे लगाते रहे, मगर बिल्कुल कोई आराम नहीं। उसके बाद अगला रास्ता ग्रैप क्योर, ब्रेड एंड वाइन क्योर, और उसके बाद भी जब आराम नहीं तो डाइट की एडवाइजेस ली, डाइट चेंज, लाइफस्टाइल चेंज, सब कुछ किया, मगर उन्हें बिल्कुल आराम नहीं था। लगातार दर्द, जो पहले दिन था वही वैसा का वैसा दर्द, इतनी सारी परेशानियों, इतने महीनों एलोपैथिक चिकित्सा, हाइड्रोपैथ्स, वाइन क्योर, सब कुछ करने के बाद भी कोई आराम नहीं। फिर एक समय आता है जब वो होम्योपैथी की ओर डाइवर्ट होते हैं और होम्योपैथी के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें मिलती है डॉक्टर हैनिमैन की ब्रायनिया, जिसके बारे में अधिकतर सभी होम्योपैथ्स जानते हैं कि ब्रायनिया इज हैविंग स्पेशल एफिनिटी फॉर प्लूरल इफ्यूजन्स। प्लूरा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ब्रायनिया एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। और जैसा कि उन एमिनेंट एलोपैथ्स ने बताया था कि ये आपके विसरल और कोस्टल प्लूरा के बीच में कोई एडिशन है जिसके कारण ये दर्द बना हुआ है, तो डॉक्टर बर्नेट सीधा मार्केट जाते हैं, ब्रायनिया लेके आते हैं और जैसा कि डॉक्टर हैनिमैन ने एडवाइस किया है उस तरह से उसको लेना शुरू करते हैं। एंड विद इन अ फॉर्टनाइट, एक 15 दिन में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। वो दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है और वो जो दर्द गायब हुआ है तब से लेकर आज तक जब वो बुक लिख रहे हैं, लगभग 15 साल का समय है, वो दर्द वापस नहीं लौटता। तो डॉक्टर बर्नेट इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो इसको होम्योपैथी के प्रति उनके कन्वर्जन का दूसरा रीज़न मानते हैं। वो लिखते हैं कि डॉक्टर हैनिमैन, मैं चाहता हूँ कि ईश्वर करे अगर मैं भविष्य में कभी भूल जाऊँ कि डॉक्टर हैनिमैन की ये टीचिंग है या होम्योपैथी से डाइवर्ट हूँ, तो मुझे ये प्लूरा का दर्द वापस आए और मैं होम्योपैथी और डॉक्टर हैनिमैन और ब्रायनिया का धन्यवाद अदा कर पाऊँ। इस तरह से वो
एलोपैथिक से इतना अधिक प्रेम था उनको, इतना अधिक उनका डिवोशन था कि आखिरी में जब वो लिखते हैं कि मैं अगर ये मेडिसिन मेरे कुछ काम, हाउ फेयरेस्ट पैथी यूर मे बी, वो लिखते हैं कि एलोपैथी कितनी भी फेयरेस्ट पैथी क्यों ना हो, बट अगर वो मुझे ठीक नहीं कर पा रही, इफ़ इट इज़ नॉट क्योरिंग मी, तो मेरे किसी काम की नहीं। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।